सो हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। यहाँ पर से पिक के ऊपर जो इमोजी है उसको हटा के देख सकते हो किस तरीके से मैंने बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पर से इमोजी को जो है इरेज कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप भी जो है यहाँ पर इमोजी को जो है हटा सकते हो किसी भी पिक के अंदर का, ठीक है। तो गाइज़ क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा जो मोमेंट आ जाता है, ऐसे सिचुएशन आ जाता है जो आप लोगों को कहीं स्टेटस में या फिर DP वगैरह में आप लोगों को जो है इमोजी देखने को मिल जाता है उसके फेस के ऊपर, और आप जो है उसको पहचान नहीं पाते हो या फिर आप जो है उसको अच्छी तरीके से देख नहीं पाते हो इमोजी की वजह से। तो बिल्कुल आप इजीली तरीके से इमोजी को हटा सकते हो और उसका फेस वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ कैसे देखना है चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है। कहीं भी स्किप मत करना, अगर आप स्किप कर देते हो तो आप नहीं समझ पाओगे, फिर जो है आप जो है इमोजी को नहीं रिवोक कर पाओगे। तो सबसे पहले आप आ जाना हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और यहाँ पर से आप लोगों को एक जो यहाँ पर से ये ऐप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर से मैंने पिन कर रखा है। जैसे वहाँ पिन वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को जो यहाँ पर जो है ये जो है आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये 14 MB का है, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इसमें यहाँ पर से लिखा हुआ है देख सकते हो इमोजी रिमूवर। तो इसको डाउनलोड करके आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर से ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर से इमोजी रिमूवर लिखा हुआ है, लेट्स स्टार्ट कर देना। उसके बाद फोटो का स्क्रीन कैसा है, व्हाइट है ब्राउन है सिलेक्ट कर लेना, मैं यहाँ पर से व्हाइट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर से आपको मेल है फीमेल है जो भी सिलेक्ट कर लेना, फीमेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इमोजी रिमूवर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर से आपको इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, ठीक है। और गैलरी से आप उस फोटो को सिलेक्ट कर पाओगे, उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें इमोजी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन आएगा। तो आपको क्या करना है, जो सर्कल आपको देखने को मिल रहा है डॉट डॉट का, उसको क्या करना है आपको फेस के ऊपर ले जाना है, ठीक है। जो इमोजी जहाँ पर है उसके ऊपर ले जाना है और कुछ इस तरीके से आपको उसको सेट करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। वो फेस के ऊपर सेट करना है, इमोजी उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इमोजी को आपको ध्यान नहीं देना उतना, आपको फेस के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है, तभी उसका फेस जो है वो क्लियर वहां से नजर आ पाएगा, ठीक है। और क्लियर जो है फेस हो पाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से कॉर्नर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ इसको थोड़ा थोड़ा इरेज करना है, ठीक है। इरेज करते हुए देख सकते हो इसका फेस नजर आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो है वो बिल्कुल सा क्लियर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर से इतना जान सकते हो इसको इरेज करके कि ये कौन है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इरेज करके उसको पहचान सकते हो, ठीक है, और उसका पिक जो है देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से इसको इरेज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको जो है आपको गैलरी में सेव करना है, तो यहाँ पर से कॉर्नर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर से कॉर्नर जो है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर से डन लिखा हुआ आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर से इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आपका गैलरी में ये फोटो सेव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फोटो पर जो इमोजी है उसको आप रिमूव कर सकते हो। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।